मौलानी मुतकीान अली हिब ने तालिब अलैहिस्सलाम की वसीयतों में से कुछ वसीयतें ऐसी जो आपके गसलो कफन से मुतल हैं आपके जनाजे और कब्र से मुतक़ हैं उनमें से एक वसीयत है। फरमाते हैं अपने बेटों से कि ए मेरे बेटो हसन और हुसैन व इजा मित्त हो जब मैं दुनिया से गुजर जाऊं तो मेरे जनाजे को तैयार करना और देखो जनाजे को उठाना पीछे की तरफ से पातीन की तरफ से सिरहाने से जनाजा खुद ब खुद उठेगा और जाने बे पुते लेकर जाना ये बात याद दिला दूं कि नजफ की तारीख से कदीम तारीख है कोफे की और जितने नाम नजफ के लिए तारीख ने बयान किया उनमें से एक है जहर कोफा भी जहर कहते हैं पुश्त को पुश्तेफा इमाम फरमाते मेरे जनाजे को जानबे पुश्तेफा आज के जमाने के लिहाज से नजफ की तरफ लेके जाना और जब तुम पुश्ते कुफा की तरफ चलोगे तो एक मकाम ऐसा आएगा मेरे बेटो कि ये जनाजा मेरा आगे की तरफ से सरहाने की तरफ से झुकने लगेगा और जब जनाजा झुकने लगे तो तुम जनाजे को वहां जमीन पर उतार लेना मट्टी और रेत को हटाओगे तो अंदर से कब्र तैयार निकलेगी जो मेरे भाई जनाबे नू असलाम ने तूफान नू से पहले तैयार की थी अब यहां पर कब्र की तैयारी की तारीख अलग बन गई कब्र कब बनी है तूफान नू से पहले और कब्र बनने के बाद बनाई किसने जनाबे नू अलैहिस्सलाम ने क्या मौला की शान है जिस घर में विलादत हो उसे काबा कहें और उसे दो अंबिया मिलके बनाए और जहां दफन हो उसे एक नबी हाथों से तैयार करें अल्लाह अकबर तो महद और लहद इतनी मुबारक है कि महत को काबा कहते हैं लहद को नजफ कहते हैं महत के मेमार को इब्राहिम कहते हैं लहद के मेमार को नू कहते हैं अल्लाह शेख लंबिया जनाब नू असलम साहिब शरीकत पैगंबर जनाब इब्राहिम उसके बाद भी लोग इमाम के फजाइल को कबूल करने से क्यों परेशान होते मैं सिर्फ कब्र की बात कर रहा था और चलिए जब कब्र की बात यहां तक आई तो एक बात तो वाज हुई कि पहले से कब्र खोदी जा सकती है अब यह बात आ, किसी हद तक बड़ी परेशान कौन थी उस जमाने में जबकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में खासतौर से शहर कराची में हालात तशैयों के लिए बड़े खौफनाक रहे थे टारगेट किलिंग पहले ईमान की हो रही थी ऐसे में बाज़ लोग कहते थे कि शायद ये जो वादी हुसैन कब्रसान जब से बना है उनका ख्याल ये था तो कब्रें पहले से खोद के तैयार कर दी जाती हैं और ये कबरें मुर्दा मांगती हैं खुदा के लिए अहले ईमान भी आप अहले इल्म भी आप मौला के चाहने वाले भी आप तो किसी ऐसे के लिए जिसका ताल्लुक बाब मदीनतम से हो इस तरह की खुराफात को अकीदा बनाना सही नहीं अगर कब्र खो दी जाने के बाद कब्र मुर्दा मांग रही होती तो जनाबिन तो मौलाए कायनात की कब्र बना चुके तूफान से पहले तो फिर आपके ख्याल में तो मौला को दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था दूसरी मिसाल कब्र के हवाले से ये कब्र इमाम रजा सलात कब्र के क्या मामला थे वापकेल में तीसरी मिसाल इमाम जमाना वही सलातलाम कब्र तो कब्र का पहले खोद दिया जाना जरा भी नफीसा खातून अपने हाथों से अपने घर में अपनी कब्र खोद रखी थी और उस कब्र में बैठकर छे हजार कुरान पढ़े थे तो छह हजार कुरान जिंदा थी तो पढ़े थे ना तो घर में कब्र इसका मतलब कब्रिस्तान से घर आने में या कब्र की मट्टी घर पे आने में कोई कयामत नहीं होती नफीसा खतु और कसम ब खुदा किसी और की बात करें ना करें मगर हम तो ऐसे दीवाने हैं मौलाओं कि मौला की कब्र की मट्टी तब्रक के तौर पर घर पर लेकर आते तो सारे कब्रुस्तान की मट्टी घर पे लाएं कि ना लाए मगर करबलाए म की तुरबत सरकार सैदुल शहदा की खाक घर पे ले आते